क्रेडिट स्कोर शिक्षा व प्रशिक्षण मॉड्यूल। नमस्ते, मेरा नाम नितिन है और मैं क्रिफ हाई मार्क से क्रेडिट स्कोरिंग विशेषज्ञ हूँ। आपने यह देखा होगा कि कभी कभी आपके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को बैंक या वित्त कंपनी से मनचाहा लोन नहीं मिलता है। शायद ऐसी स्थिति का सामना खुद आपने भी किया हो। लोन अस्वीकृति के संभावित कारणों में से एक है आपका क्रेडिट स्कोर। वित्त कंपनियां और बैंक आपका लोन स्वीकृत करने से पहले आपके क्रेडिट स्कोर की जांच करते हैं, और यदि आपका स्कोर पर्याप्त नहीं है तो वे लोन आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट रिपोर्ट क्या होती है और कैसे ये दोनों लोन लेने की आपकी क्षमता पर प्रभाव डालते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे ताकि भविष्य में आप लोन आसानी से प्राप्त कर सकें। क्रेडिट रिपोर्ट क्या है और यह क्रेडिट स्कोर से कैसे अलग है? एक क्रेडिट रिपोर्ट किसी भी बैंक या वित्त कंपनी से आपके द्वारा लिए गए सभी ऋणों का रिकॉर्ड है। क्रेडिट स्कोर 3 अंकों की संख्या है जो आपके क्रेडिट रिपोर्ट के आंकड़ों पर आधारित है। ये 300 से 900 के बीच के पैमाने पर व्यक्ति की लोन चुकाने की क्षमता को दर्शाती है। इसमें 300 सबसे कम और 900 अधिकतम स्कोर होता है। अगर हम दैनिक जीवन से उदाहरण लें तो स्कूल जाने वाले आपके बच्चे को मिलने वाला रिपोर्ट कार्ड विभिन्न विषयों में उसके प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट रिपोर्ट आपके डिफरेंट फाइनेंशियल या क्रेडिट एक्टिविटीज जैसे लोन पेमेंट क्रेडिट कार्ड आदि को दर्शाता है, और क्रेडिट स्कोर बच्चे को मिले कुल प्राप्त अंक की तरह है। तो जब भी आप 15,000 या 20,000 रुपए की छोटी जरूरतों या 10, 20, 30 लाख या इससे भी अधिक की बड़ी जरूरतों के लिए बैंक या वित्त कंपनियों से लोन के लिए आवेदन करते हैं, तब आपके पिछले प्रदर्शन और लोन चुकाने की क्षमता की जांच होती है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर 700 की सीमा से ऊपर होता है तो बैंक द्वारा आपका लोन स्वीकृत होने की संभावना बढ़ जाती है। नए स्कूल को अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तो मैं देता हूँ, लोन देने वाला बैंक मेरा क्रेडिट स्कोर कैसे जान सकता है? बैंक को मेरी क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर कौन देता है और उन्हें मेरे आंकड़े कहां से मिलते हैं? जब आप किसी बैंक या वित्त कंपनी से लोन लेते हैं तो इसकी सूचना क्रेडिट ब्यूरो को दी जाती है, जिसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी या CIC भी कहते हैं। हमारे देश में ऐसी 4 कंपनियां हैं और वे सभी भारतीय रिजर्व बैंक या RBI द्वारा अधिकृत हैं। क्रिफ एक ऐसी ही कंपनी है। क्रेडिट ब्यूरो देश के सभी ऋणदाताओं से उनके द्वारा लिए गए और चुकाए गए सभी लोन्स की जानकारी इकट्ठा करने के लिए अधिकृत है, जिसमें सभी बैंक वित्तीय संस्थाएं और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां शामिल हैं। आपके लोन के समय पर भुगतान की सूचना और किश्त चुकाने में देरी की सूचना के अलावा इसमें आपका व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम जन्म तिथि पता फोन नंबर आदि भी दिया जाता है। इस विवरण में आपका वोटर आईडी पैन कार्ड आधार नंबर राशन कार्ड आदि की जानकारी भी होती है। ये सभी विवरण बैंकों और वित्त कंपनियों से आपके रिकॉर्ड को जोड़ने में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए आपको यह सभी विवरण सावधानी से प्रदान करने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्रेडिट स्कोर के बारे में आपको बेहतर जानकारी दे पाए होंगे। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो दी गई लिंक पर जाएं cir.crifhighmark.com, और यदि आप क्रेडिट स्कोर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाएं blog.crifhighmark.com।